नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, DRDO की तरफ से भर्ती निकली है, बहुत ही अच्छी खबर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों 24 पोस्ट हैं टोटल इसके अंदर, देखिए, और इसकी लास्ट डेट जो है यहाँ पर क्लियर मैंशन है, बिल्कुल 15 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। अब रही बात एग्ज़ाम की और सिलेक्शन का प्रोसेस, ये रहेगा दोस्तों टीयर वन के अंदर CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टीयर टू होगा जिसमें ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और पोस्ट की, तो आइए चेक कर लेते हैं। नंबर वन पे जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए, वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इंग्लिश टाइपिंग की। कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों। और स्किल टेस्ट की अगर हम बात यहाँ पे करें तो स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड होनी चाहिए कैंडिडेट की, और 10 मिनट का टेस्ट रहेगा दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 50 मिनट का प्रोसेस रहेगा दोस्तों इंग्लिश में, और कंप्यूटर के ऊपर होगा दोस्तों सारा का सारा टेस्ट। तो ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए। नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग की, इसके लिए भी कैंडिडेट जो है 10+2 पास होना ज़रूरी है। और अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है बिल्कुल क्लियर इस स्टेप्स में, स्किल टेस्ट जो है दोस्तों 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में स्पीड होनी ज़रूरी है, और 25 वर्ड पर मिनट जो है आपकी हिंदी में स्पीड ज़रूरी है दोस्तों। और अगर हम की डिप्रेशन पर आवर की बात करें तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिस्ट के लिए है, इसमें कैंडिडेट जो है 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों। ये ऊपर वाली जो थी ये इंग्लिश टाइपिंग की थी जिसमें 35 वर्ड पर मिनट मांगा है, और ये नीचे वाली जो है वो हिंदी की है दोस्तों, इसके अंदर 30 वर्ड पर मिनट स्पीड इन्होंने मांगी है, और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए स्किल टेस्ट यानी कि कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की दोस्तों, और इंग्लिश टाइपिंग, कैंडिडेट वही सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 पास होना चाहिए दोस्तों, कंडीशन सेम है कि 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी इंग्लिश के अंदर स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद है स्टोर असिस्टेंट एक्स हिंदी टाइपिंग की, हिंदी टाइपिंग में भी कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए और स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए और फिजिकल फिट होना चाहिए दोस्तों, कैंडिडेट वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है क्लर्क कैंटीन मैनेजर ग्रेड थर्ड, कैंडिडेट जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए दोस्तों कैंडिडेट, और साथ में जो है स्पीड भी होनी चाहिए उसकी इंग्लिश की, वो यहाँ पे क्लियर मैंशन है इस पैराग्राफ के अंदर। ये देखिए, एक्यूरेट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी के अंदर आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर हम की डिप्रेशन की बात करें दोस्तों तो 8,000 की डिप्रेशन आपकी पर आवर स्पीड होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए कैंटीन मैनेजमेंट का, और एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ऑटोनोमस का मतलब होता है दोस्तों स्वायत्त संस्थान को हम ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट हलवाई कम कुक की पोस्ट है यहाँ पे, तो इसमें कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है कुकिंग का। ये देखिए, कंडीशन वही सेम है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद है व्हीकल ऑपरेटर ए, कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए इसमें। ये जो मैट्रिक क्लास की वैकेंसीज आ रही हैं दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स के कॉमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि मैट्रिक क्लास की वैकेंसीज नहीं आती, तो ये रिक्रूटमेंट मैट्रिक क्लास की भी इसके अंदर डाल रखी है। और व्हीकल ऑपरेटर एक्स के लिए जो कैंडिडेट 10th क्लास पास होना चाहिए, और साथ में उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, लाइट व्हीकल का भी और हैवी का भी नॉलेज होनी चाहिए उसको मोटर मैकेनिज्म की, यानी कि अगर कोई डिफेक्ट आए तो उसको आराम से करेक्ट कर सके, ये उसको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसको, किसी भी कार को चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर, ये देखिए, कैंडिडेट 10वीं क्लास पास होना चाहिए दोस्तों, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो उसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कंडीशन सेम है दोस्तों ऊपर वाली इसके अंदर।
उसके बाद है फायरमैन के लिए है, यहाँ पे फायरमैन के लिए कैंडिडेट जो है 10वीं क्लास पास होना चाहिए और फिजिकल फिट कैंडिडेट होना चाहिए दोस्तों। फायरमैन मेंशन है यहाँ पे, चेक कर सकते हैं, जैसे 13 पोस्ट हैं ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए के लिए 54 पोस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिस्ट के लिए है दोस्तों, यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, ये 28 हैं, ऐसे अलग अलग हम यहाँ पे टेबल में पूरा चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो टोटल मिला के 224 पोस्ट हैं सभी कैटेगरीज के मिला के यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों और मेन सैलरी की, हम इसमें बात करेंगे स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे मेंशन है सैलरी, देखिए पे जो है दोस्तों 19,900 रुपये से लेकर और लास्ट में इंक्रीमेंट लग के दोस्तों स्टार्टिंग में 81,100 से लेकर, यहाँ पे स्टार्टिंग है दोस्तों 19,900 से 81,100 रुपये और उसके बाद 7th पे कमीशन लगने के बाद जो है सारी फैसिलिटीज जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हैं, जैसे हाउस रेंट वगैरह है, डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये सारे, कैंटीन की फैसिलिटी है, सीएसडी कैंटीन, ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों फीस की, देखिए फीस से पहले हम बात करते हैं दोस्तों एज की, यहाँ पे देखिए एज में छूट है नियमानुसार, एससी एसटी के लिए जैसे 5 साल की छूट है दोस्तों और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक सर्विस मैन के लिए, तो वो पूरा का पूरा जो है इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन है पूरी डिटेल, एससी एसटी की, ओबीसी की और एक सर्विस मैन वगैरह के लिए, विडो के केस, फीमेल के केस में क्या कंसेशन मिलेगा एज में, तो वो यहाँ पे मेंशन है। अप्लाई करने के लिए जो है हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे लिंक दिया है, इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर 2019, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत आप अप्लाई करें। फीस जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों 100 रुपये फ़ीस है और फीस आप नेट बैंकिंग, इंटरनेट, डेबिट किसी तरीके से आप पेमेंट करवा सकते हैं फ़ीस की। और फीस जो है फीमेल के केस में, फीमेल एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फीस नहीं है, पेमेंट आप फीस की करवा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप इसकी पेमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो चंडीगढ़ में है एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे चंडीगढ़ के बाद है यहाँ पे दोस्तों जयपुर है नियरेस्ट, हरियाणा की अगर हम बात करें तो, और जयपुर के नियरेस्ट दोस्तों चंडीगढ़ है, जयपुर है और दिल्ली है एग्ज़ाम सेंटर, तो दिल्ली एनसीआर में भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर का सीरियल नंबर 12 पे दी यहाँ पे मेंशन है, दिल्ली एनसीआर भी आप फिल करके एग्ज़ाम सेंटर में आप अपीयर होकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है इस नोटिफिकेशन के अंदर फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल के लिए बिल्कुल क्लियर मेंशन है। फिजिकल मेजरमेंट में मेडिकल स्टैंडर्ड, देखिए स्टार्टिंग में फिजिकल मेजरमेंट है, मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में मेल और फीमेल कैंडिडेट का इस टेबल के अंदर अलग से दिया है। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों मेल के केस में, और एक्सपेंशन मेल के केस में 5 सेंटीमीटर, वेट जो है 50 किलो होना चाहिए मेल के केस में और फीमेल के केस में जो है 45 किलोग्राम वेट होना चाहिए। और उसके बाद जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ओके होना चाहिए, फिजिकल फिट कैंडिडेट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो रनिंग वगैरह यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 1600 मीटर की रेस होगी, 7 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। अगर हम वेट की बात करें तो 63.5 किलो वेट आपको उठा के ले जाना है 183 मीटर तक और टाइम रहेगा उसका 96 सेकेंड, तो पूरा आप इसको अच्छी तरह से चेक करें फिर ही आप अप्लाई करें ताकि बाद में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रहे। सिलेक्शन प्रोसेस में बिल्कुल क्लियर है मेंशन दोस्तों कि सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ट्रेस टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा कैंडिडेट्स का, चेक किया जाएगा कि कैंडिडेट पूरी तरह से फिजिकल फिट है या नहीं है। उसके बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया है दोस्तों, ये देखिए इसमें हम चेक कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस क्वांटिटी एप्टीट्यूड के हैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के हैं और 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के हैं, तो पूरा सिलेबस यहाँ दे रखा है दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। अब जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन 150 रहेंगे और टाइम जो है वो रहेगा 120 मिनट, तो सिलेबस अगर इन्होंने मेंशन किया है तो उसके हिसाब से जो है तैयारी करने में काफ़ी इजी रहता है कैंडिडेट्स के लिए। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन DRDO की तरफ से।
मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।